नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा गुप्ता है। मैं एक इन्फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई एम्स से करी है और दिल्ली में कार्यरत हूँ। आज हम पीसीओएस और इन्फर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे पीसीओएस क्या है और ये कैसे इन्फर्टिलिटी कॉज करता है। पीसीओएस एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। ये ऑलमोस्ट 10 में से 2 पेशेंट्स को होती है। इसका मतलब अगर मेरी ओपीडी में 10 पेशेंट्स आते हैं तो उनमें से 2 पेशेंट्स में मैं ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज की डिजीज़ को देखती हूँ। पॉलीसिस्टिक ओवरीज की डिजीज़ से इनफर्टिलिटी होना बहुत कॉमन है और आज हम पीसीओएस कैसे इनफर्टिलिटी कॉज करता है और उसका ट्रीटमेंट क्या है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पीसीओएस की डेफिनेशन, हम पीसीओएस को डायग्नोज कैसे करते हैं। पीसीओएस को जांचने के लिए हमारे पास 3 क्राइटेरिया हैं। अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स आते हैं, अगर आपको बहुत देर देर में पीरियड्स आते हैं, महीनों में 1-1.5 महीने बाद पीरियड्स आते हैं, आपके इरेगुलर पीरियड्स हैं। सेकेंडली आपके सिम्टम्स हैं जो दिखाते हैं कि आपको मेल हार्मोन ज़्यादा हैं, जैसे कि आपके शरीर में अत्यधिक बाल होना, आपके पास एक्ने ज़्यादा होना, या फिर आपके हेयर फॉल्स होना, या फिर थर्डली आपके अल्ट्रासाउंड, जिस अल्ट्रासाउंड में बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे 10 mm से लेस फॉलिकल्स आए हुए हैं या सिस्ट आए हुए हैं। तो इन तीनों में से इरेगुलर पीरियड्स होना, मेल हार्मोन ज़्यादा होना मतलब अत्यधिक बाल दिखना, या फिर आपके अल्ट्रासाउंड में पीसीओएस ओवरीज आना, इन तीनों में से 2 क्राइटेरिया अगर आपको होते हैं तब आपको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ मानते हैं कि हाँ, आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ से सफ़र करते हैं और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कारण हो सकता है कि आपके ना बच्चा ठहरने का। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में मेन प्रॉब्लम यह है कि आपका एग बनकर बड़ा होकर रिलीज नहीं होता। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ से एन ओवुलेटरी इनफर्टिलिटी होता है, मतलब ओवुलेशन नहीं हो पा रहा है, एग रिलीज़ नहीं हो रहा है सिस्टम में, इसलिए बच्चा नहीं ठहर रहा है। अगर एग ही रिलीज़ नहीं होगा तो वो स्पर्म से मिलेगा नहीं, बच्चा नहीं हो पाएगा। तो पीसीओ डिजीज़ का सिंपल ट्रीटमेंट है कि हमें आपका ओवुलेशन जो मैकेनिज़्म है वो वापस से स्टार्ट करना है। जब भी हम पीसीओडी डिजीज़ का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, मोस्ट कॉमनली इसमें फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है वो होता है वेट लॉस। पीसीओ में 70% वुमेन में उनका वेट जो होता है ओवरवेट होती हैं, उनका नॉर्मल बीएमआई 25 के ऊपर होता है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है कि आप अपना वज़न कम करिए, आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए। अगर आप अपना वज़न इवन 10% कम कर लेते हैं, अगर आप 75 के हैं और आप 70 पर पहुंच जाते हैं, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं एटलीस्ट 40 मिनट्स अ डे, 5 डेज अ वीक अगर आप एक्सरसाइज करने लग जाते हैं और अपना मेटाबॉलिज्म बेटर कर लेते हैं, तो हमने देखा है कि कई बार पेशेंट्स को अपने आप ओवुलेशन होने लग जाता है, अपने आप पीरियड्स टाइम से आने लग जाते हैं और उनको कोई दवाई के बिना ही बच्चा ठहर जाता है। अगर आपने ये वेट लॉस करा है, डाइट लिया है, उसके बाद भी आपको अगर ओवुलेशन नहीं हो रहा है, आपको पीरियड्स रेगुलरली नहीं आ रहे, तो सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है ड्रग्स। ड्रग्स होती हैं, वो ओरल भी होती हैं, इंजेक्टेबल भी होती हैं। इनिशियली आपको ओरल ड्रग्स शुरू कर जाती हैं। जो मोस्ट कॉमनली ड्रग्स यूज़ करी जाती हैं पीसीओएस के ट्रीटमेंट में वो होती हैं क्लोमिफीन सिट्रेट या फिर लेट्रोजोल टैबलेट्स। इन दोनों ड्रग्स का एक ही इनका वो है कि इनका एक ही काम है, वो है कि आपके एग्स बनाना और उनको टाइम से रिलीज़ करना। ये पीरियड्स के 2nd day to 6th day दी जाती है और फिर आपके अल्ट्रासाउंड होता है 10वें 12वें दिन, ये देखने के लिए कि हाँ, आपको एग्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर आपको इन इनिशियल डोजेज से एग्स नहीं बढ़ते हैं तो इनकी डोज बढ़ाई जा सकती है, जैसे क्लोमिफीन को 50 से शुरू करके 100, 150 या 200 भी करा जा सकता है। अगर आपके इन दवाइयों से एग्स बन रहे हैं तो इन दवाइयों पर आपको 3 से 6 महीने रखा जाता है और हम कहते हैं अगर आपके ओवुलेशन हो रहा है, अगर आपके एग्स बन रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 60-70% पेशेंट्स पीसीओए के सिर्फ ये सिंपल ओवुलेशन रिडक्शन ड्रग से ही कंसीव कर जाते हैं। फिर आपने ये दवाइयाँ ली, आपने 3 से 6 महीने ली, तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक हुआ कि हमारे अंडे बन ही नहीं रहे, इसको हम कहते हैं क्लोमिफीन रेजिस्टेंस, कि आपके एग्स इन दवाइयों से नहीं बन रहे। दूसरा कि आपने लिए ये दवाइयाँ, आपके एग्स बने, ओवुलेशन भी हुआ लेकिन कंसेप्शन नहीं हुआ, तो इसको हम क्लोमिफीन फेलियर कहते हैं। अगर आपको रेजिस्टेंस या फेलियर है तो हम सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे जा सकते हैं, जो या तो लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग हो सकता है जिसमें एक ऑपरेशन करके आपकी ओवरीज में छेद कर दिए जाए ताकि वो अपने आप ओवुलेट करना चाहे, या फिर हम सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स लाइक इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। इन इंजेक्शन के माध्यम से भी हम ट्राई कर सकते हैं कि आपके एग्स बने और रिलीज़ करें।
अगर इंजेक्टेबल्स जो गोनाड्रोपिन्स हैं इनसे आपके एग्स बनते हैं तो ये भी आप 3 से 6 महीने ट्राई कर सकते हैं। आपको ये बात जानने की ज़रूरी है कि PCOS में बिकॉज आपके एग्स नहीं बन रहे थे इसलिए आपको बच्चा नहीं ठहर रहा था। तो इसमें ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट से मत डरिए कि 3 महीने 6 महीने क्यों वेट करना पड़ेगा, अगर मेरा अंडा बन रहा है तो मुझे प्रेगनेंसी होनी चाहिए। जैसे मैरिज के बाद हम 6 महीने वेट करते हैं कि हर महीने अंडा बन रहा है, रिलीज़ हो रहा है, हम ट्राई कर रहे हैं, फिर बच्चा नहीं ठहर रहा है, वैसे ही PCOS में जब ओवुलेशन शुरू हो जाए इस ट्रीटमेंट को 5-6 महीने दीजिए। अगर 5-6 महीने में 5 to 6 cycles हम कहते हैं ऑलमोस्ट 80-90% पेशेंट्स इन्हीं ट्रीटमेंट से कंसीव कर जाते हैं। हायर ट्रीटमेंट्स जैसे IVF और IUI बहुत ही कम पेशेंट्स, सिर्फ 10 से 15% पेशेंट्स को ज़रूरत पड़ती है। PCOS में सक्सेस रेट्स बहुत हाई होती हैं। PCOS में ट्रीटमेंट ईजी होता है अगर आप सही डॉक्टर के पास पहुँचे। PCOS में काफ़ी एडजुवेंट ड्रग्स भी यूज़ करी जाती हैं, जैसे मेटफॉर्मिन यूज़ करी जाती है, जैसे ओवेरियन उसको करने के लिए, ओवरीज का नंबर ऑफ एग्स को अच्छे करने के लिए कई टाइप के एडजुवेंट्स यूज़ करे जाते हैं। जितना एविडेंस बताता है मेटफॉर्मिन जैसी दवाइयाँ तभी यूज़ होती हैं अगर आप ओवरवेट हैं और आपके शुगर के टेस्ट में प्रॉब्लम आई है। इसके अलावा अगर आप लीन हैं, आपके शुगर के टेस्ट नॉर्मल हैं, तो मेटफॉर्मिन आपकी प्रेगनेंसी रेट्स नहीं बताता। बहुत सारी ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो कहती हैं कि आप अगर ये ड्रग्स लेंगी तो आपके नंबर, जो आपकी क्वालिटी ऑफ एग्स है PCO में, वो इम्प्रूव कर जाती है। ऐसा कोई भी स्टडीज़ में नहीं देखा गया है। ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफस्टाइल पे, अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। सारे विटामिन एंड मिनरल्स, सारी सब्ज़ियाँ खाएँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है रादर ये महंगी दवाइयाँ खाएँ। अगर हम PCOS में ओवुलेशन कर पाते हैं तो 90% पेशेंट्स वैसे ही कंसीव कर जाते हैं। वो ओवुलेशन चाहे वेट रिडक्शन से हो, चाहे बैलेंस डाइट से हो, चाहे दवाइयों से हो। सिर्फ 10% पेशेंट्स जिनमें नहीं कंसेप्शन हो पाता उनमें IVF ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। IVF ट्रीटमेंट PCO पेशेंट्स में बहुत सक्सेसफुल होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे अंडे मिलते हैं तो फ्रीजिंग मिलती है, हम day 5 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र तक पहुँच जाते हैं, तो इसमें चांस ऑफ कंसेप्शन अच्छे ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि PCOS में क्वालिटी ऑफ एग्स पुअर होती है, उसमें क्वालिटी ऑफ एग्स अच्छी ही मिलती है। तो अगर आपको PCOS है तो घबराइए नहीं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे आप अपनी फर्टिलिटी को अचीव कर सकती हैं, कंसेप्शन अचीव कर सकती हैं। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव मिली होगी, आपने कोई नई इन्फॉर्मेशन गेन करी होगी। धन्यवाद।